पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सॉरी पापा, आपको आने की क्या जरूरत थी? दम चुप, कुछ मत बोलो। प्लीज 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 सॉरी। मैं आने ही वाली थी लेकिन excuses, excuses, excuses! हमेशा excuses ही होते हैं ना मम्मा। मेरे साथ ना होने की excuses, क्योंकि किट्टू तो important है ही नहीं, बस आपका काम important है। मैं मेरे किसी भी काम के लिए आपके पास आती हूँ तो आप पापा को इशारा कर देती हो करने के लिए। आप थक जाती हो पर तब भी आपका काम करना तो जरूरी है ना, क्योंकि पापा साल में जितने भी केसेस लड़ते हैं उससे आई हुई इनकम काफी नहीं है ना घर चलाने के लिए। मुझे ये बात कैसे समझाएंगे कि मेरी मम्मी का काम करना जरूरी है, क्योंकि मेरे पापा मैनेज नहीं कर सकते घर चलाने का खर्चा। आपके पास तो मिली टाइम ही नहीं है मम्मा, और पापा ये तो मुझे हर जगह एम्बैरेस कर देते हैं। देखिए बंदर एम्पायर की लग रही हूँ मैं, जब मुझे संभाल ही नहीं सकते थे तो अडॉप्ट किया ही क्यों, रहने देते ना मुझे अनाथ आश्रम में। मैं कुछ दिनों के लिए वंदना आंटी के घर रहने जा रही हूँ। आंटी मैं कुछ दिन आपके यहाँ रहूँ तो आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं किट्टू, पर हुआ क्या? Yes.
सारे बच्चों के साथ हर जगह सबकी मम्मियां ही आती हैं, पर मेरे साथ हर जगह पापा ही जाते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता। आज पापा ने पूरी क्लास के सामने मेरा तमाशा बना दिया। हर जगह जाऊंगा मैं उसके साथ। जब भी वो हाथ बढ़ाएगी मैं खड़ा रहूंगा उसका हाथ पकड़ने के लिए। शर्मिंदा हो तो हो, पर मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मुझे चाहिए ही नहीं कि वो मेरे साथ आए, क्योंकि मुझे मम्मा चाहिए, पापा नहीं। ओके, ठीक है, तुम्हें पापा नहीं चाहिए, पर किट्टू ये बताओ कि कितने बच्चे हैं तुम्हारी क्लास में जिनकी मम्मी नहीं बल्कि पापा सुबह जल्दी उठ के उन्हें रेडी करते हैं, उनके लिए गरम गरम टिफिन बनाते हैं, हाथ पकड़कर उन्हें स्कूल छोड़ने जाते हैं? एक भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे पापा ना अलग है, बेस्ट है बेस्ट। तुम और यामिनी आंटी उनके लिए बहुत जरूरी हो। परिवार से ज्यादा जरूरी और क्या होता है? हूं मैं अलग बाप। किट्टू को बुरा लगता है कि यम बाहर जाके काम करती है और उसका पापा घर संभालता है, पर मुझे इसमें जरा भी शर्म नहीं आती, बल्कि गर्व होता है। जब भी मेरी बीवी थक हार के काम से लौटे तो मैं अपने हाथों से उसके लिए गरम गरम चाय बनाऊं, उसे अपने हाथों से गरम गरम खाना खिलाऊं, अपनी बेटियों को संभालूं, ताकि मेरी हम पर जरा भी बोझ ना पड़े। हमारे डैडी इतने बिजी रहते हैं कि हम तो वेट ही करते रहते थे किट्टू कि कभी डैडी आए स्कूल। और एक दक्कू अंकल है जो अपने सारे काम छोड़कर तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। अब तुम ही बताओ, दक्कू अंकल चाहे तो ऐसा भी सोच सकते थे ना कि घर संभालना तो औरतों का काम होता है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ना बीवी की हेल्प करूंगा ना बेटी का ध्यान रखूंगा। इनफैक्ट पिछले हफ्ते सब कुछ यामिनी आंटी संभाल रही थी, तो क्या सब कुछ ठीक से मैनेज हो रहा था? नहीं ना, तुम स्कूल भी लेट से पहुंचती थी और टिफिन में तुम्हें वही सेम ब्रेड जैम बटर मिलता था। लेकिन जब दक्कू अंकल सब कुछ संभालते हैं तुम एकदम टाइम पे पहुंच जाती हो, है ना? किट्टू, पता है दुनिया में ऐसी कितनी औरतें हैं जो शादी और बच्चों के बाद भी चाहती है कि काश मैं बाहर जाकर कुछ काम कर पाऊं, अपने सपने पूरे कर पाऊं, अपने लिए नाम बना पाऊं। पर ऐसे बहुत कम पति है जो अपने परिवार के लिए अपने सपनों को त्याग दे और अपने बीवी से जाके कहे कि तुम जाओ काम करो, मैं हूं तुम्हारे साथ, घर और बच्चे मैं सब संभालूंगा। तुम्हारे पापा उन कम पतियों में से एक है, और माँ बाप भी तो इंसान ही है ना किट्टू, वो भी सीख रहे हैं, वो परफेक्ट नहीं है, उनसे भी गलतियां होंगी। लेकिन क्या गलती करके वो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह छुपा के भाग गए? नहीं ना। और तुमने क्या किया? उनकी छोटी सी गलती के वजह से तुमने उनकी परवरिश पे ही सवाल उठा दिया और अपना सामान लेके यहाँ चली आई। जब भी मैं रूल्स की बात करता हूँ ना, तो वो केवल स्वामी दर्शन तक सीमित नहीं होते, उसके अंतर्गत आते हैं वो सारे रूल्स, एक अच्छा पिता होने के रूल्स। फिर चाहे मेरी बेटी मेरा हाथ छिटक दे, मुझे नकारा समझे, एक अच्छा पति होने के रूल्स। फिर चाहे सोसाइटी वाले, किट्टू के स्कूल वाले मेरी पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाए और बोले वो देखो वो जा रहा जोरू का गुलाम, वो ये देखो देखो ये रहा किट्टू का पापा जिसकी बीवी बाहर जाके काम करती है, और ये मां की तरह किट्टू के सारे काम करता है, उसके पीछे पीछे घूमता है,
नहीं आती मुझे शर्म। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।